Hello everyone, welcome to the online classes. Today we are going to discuss the chapter basic concept of three dimensional shapes. So first thing is that जो हमारे chapter का नाम है that is three dimensional shape. पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो हमारे shapes होते हैं वो दो तरह के होते हैं. First one is three dimensional shape and second one is two dimensional shape. जब टू डायमेंशन की हम बात करते हैं, डायमेंशन मीन्स क्या होता है, जैसे कभी भी आप किसी भी चीज़ को देखेंगे तो उसकी कोई लेंथ होती है, कोई ब्रेथ होती है, कोई हाइट होती है, ठीक है, यानी कि कोई लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और उसकी हाइट होती है. तो जो हमारा 2D स्ट्रक्चर होता है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपकी दीवार, अगर आप अपने घर की एक दीवार को देखेंगे तो इसकी क्या है, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर. जैसे आप अपनी कॉपी को देखेंगे, कॉपी का एक पेज उठाइए, पेज का आप देखिए एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है. सर्कल, सर्कल को आप देखते हैं कि उसकी भी एक रेडियस होता है, आप देखते हैं डायमीटर होता है. तो अगर आपने एक सर्कल रखा जैसे कि ये है, ठीक है, तो इसकी एक ये हाइट लंबाई मानी जाएगी और ये चौड़ाई, यानी कि ये एक डायमेंशन हो गया, एक डायमेंशन ये हो गया. आपने बनाया एक स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर की कोई लेंथ होती है, इधर से भी उसकी लेंथ, ये सारी उसकी लेंथ है, मतलब एक लेंथ हो गया और एक चौड़ाई हो जाती है. ये अलग बात है कि स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, क्योंकि इसकी चारों साइड्स हमारी इक्वल होती है. तो जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर के डायमेंशन की बात करते हैं और हमें सिर्फ टू डायमेंशन दिखते हैं, जैसे कि लेंथ दिखा और ब्रेथ दिखा, तो वो होता है हमारा टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर. लेकिन कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनके पास थ्री डायमेंशन हो, जैसे कि लेंथ भी हो, ब्रेथ हो और हाइट हो. जैसे कि आपका रूम, आप अपने रूम को अभी फिलहाल देखेंगे, देखेंगे आप, एक उसकी लेंथ होगी दीवार की, एक हाइट होगी और एक ब्रेथ होगी. जैसे आप कभी भी डाइस देखिए, क्यूब देखिए, जो डाइस होता है वो कुछ इस शेप का होता है, उसकी एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है. मतलब अगर एक पॉइंट को आप उठाएं, इस पॉइंट को आप उठा रहे हैं, तो यहाँ से जाने वाली लाइन्स आपको थ्री दिख रही हैं, तो ये क्या हो गई, थ्री डायमेंशन. ऐसे ही आप अगर इस पॉइंट को उठाएंगे यहाँ पे, तो एक होगा और दो, यानी कि सिर्फ दो ही डायमेंशन, एक सिंगल वर्टेक्स, एक कोने से आपको सिर्फ दो लाइंस जाती हुई दिखेंगी. तो ऐसे स्ट्रक्चर 2D होते हैं, और जब हमें 3 दिखेगा तो दैट इज़ 3D स्ट्रक्चर. सो इस चैप्टर में हम थ्री डायमेंशनल जो शेप्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. ओके, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं जो कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के हैं. देखते हैं हम ये कैसे हैं, क्या कंडीशन है इनकी. फर्स्ट वन इज़ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड क्या होता है, अगर आप अपने रूम को देखिए, आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स को देखिए, आप अपनी बुक को देखिए, डस्टर को देखिए, ये सब जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि इसके 6 फेसेस होते हैं. अभी यहाँ पे इसको सपोज करो कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसका एक ऊपर ये फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया, ये तीसरा फेस हो गया, ये चौथा फेस हो गया, ये नीचे वाला पांचवा फेस हो गया, और जैसे ये आगे वाला फेस है ऐसे ही तो इसका पीछे वाला भी फेस होगा, ये वाला, तो इसके पास 6 फेस हो गए, ठीक है. अगर आप इस पॉइंट को उठाए, इसके एक कोने को उठाइए, तो इससे कोने से जाने वाली एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन, यानी कि ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई. तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज थ्री डायमेंशनल शेप, ठीक है. तो ये है हमारा क्यूबॉइड. क्यूबॉइड की कंडीशन क्या होती है, इसमें लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, और हाइट हमारी कांस्टेंट होती है. वहीं पर जो हमारा क्यूब होता है, जैसे कि हमारी डाइस, इसकी कंडीशन क्या होती है कि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है, और दिखने में वो इस तरह का होता है, ठीक है. एक और फिगर है हमारा सिलेंडर. जैसे कि आपकी ये पेन है, इस पेन को आप देख रहे हैं, अगर इसको यहाँ से इसका ये निब वाला पोर्शन आप कट कर दीजिए तो आपको ये कैसा दिख रहा है, दिस इज़ अ सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक है. तो ये कैसा है, ये सिलेंड्रिकल है. आप इसको देखेंगे, इसकी एक लंबाई है, इसका यहाँ का बेस जो है वो बराबर है, सर्कुलर बेस है, ऐसे ही इस साइड भी एंड का बेस
सर्कुलर हो, तो इसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल बॉडी। इसका एग्जाम्पल होता है पेन, मार्कर, बॉटल, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, गैस सिलेंडर। अब आई बात स्फेयर की, ये है आपका स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, जब कभी भी आप फुटबॉल, वॉलीबॉल, बॉल, इन सब की बात करते हैं तो दैट इज स्फेयर। वो कैसा होता है बॉल, कुछ इस शेप का होता है, ऐसे आपके हाथों में सेट हो जाता है, तो वो होता है स्फेयर। उसकी भी एक लेंथ होती है, ठीक है, एक हाइट होती है और एक ब्रेथ होती है, मतलब कि वो भी आपको ऐसे हाथ में आप ऐसे पकड़ सकते हो, ठीक है, तो ये भी होता है आपका स्फेयर। इसी तरह आपका कोन, कोन एक बर्थडे कैप जो आपकी होती है, आप देखते हैं उसका ये बेस ऐसा सर्कुलर होता है, इसकी ये लेंथ होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है और ये इसकी हाइट होती है, तो ये भी होता है आपका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसी तरह आपके पास और कुछ एग्जांपल्स हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड एंड टेट्राहेड्रन, ये भी आपके कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या है, ये आपका इसका बेस जो होता है वो ऐसा स्क्वायर शेप का होता है और एक ट्रायंगुलर बॉडी जो होती है इस तरह से इसके ऊपर होती है। जैसे कि आप किसी पेपर को फोल्ड करिए वेट, तो इसका जो बेस होता है वो कुछ इस तरह होता है और ट्रायंगुलर अपर पोर्शन होता है, ठीक है। देन आफ्टर इट इज़ स्क्वायर पिरामिड। पिरामिड आपने इजिप्ट वाली देखी होगी, जब भी आप बुक में, अपने SST के बुक में देखते होंगे, तो क्या होता है उसका एक पॉइंटेड एंड होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से इसके सर्फेसेस होते हैं, नीचे इसका क्वाड्रिलेटरल टाइप का सर्फेस होता है, ये इसका एक फेस होता है, ये दो होता है, पीछे एक और पीछे एक चार, इसके चार फेसेस होते हैं और एक इसका बेस होता है। इसी तरह से आपका टेट्राहेड्रन है, दिस इज़ अ टेट्राहेड्रन। टेट्रा मीन्स फोर, फोर ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं इसके, आप देख सकते हैं एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक पूरा ये तीन और ये इसका नीचे वाला चार, तो चार ट्रायंगुलर फेस जिसके होते हैं उसको हम टेट्राहेड्रन बोलते हैं। तो ये सारे जो फिगर्स थे, दीज आर थ्री डायमेंशनल शेप्स। सो वी हैव गॉन थ्रू द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड रेस्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन पोर्शन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो नाउ वी मूव टू योर एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज 18.1, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिलअप है। अ स्फीयर हैज़ नो, कह रहा है एक स्फीयर है जिसके पास क्या नहीं होता, उसके पास वर्टेक्स यानी कि कोने और एजेस यानी कि किनारे नहीं होते हैं, साइड्स नहीं होती हैं। ऑल फेसेस ऑफ अ डैश आर आइडेंटिकल, किसके होते हैं, अभी देखा हमने क्यूब का सारा फेस जो होता है वह सेम होता है। द अपोजिट फेसेस ऑफ डैश आर आइडेंटिकल, अपोजिट फेस किसका किसका आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल मीन्स होता है सेम, तो ये होता है क्यूबॉइड का। एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाइज स्पेसेस इज नोन एज, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कुछ स्पेस कवर कर रहा हो उसको बोलते हैं हम सॉलिड, ये तो केमिस्ट्री में भी था। नाउ द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है उसका जो बेस होता है वो कैसा होता है, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जैसा होता है, इसको अभी हम इंट्रोडक्शन में भी देखेंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज चूज ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज 9 एजेस एंड 6 वर्टिसेस, इज इट ट्रू, द यस इट इज ट्रू इज स्टेटमेंट। देन सेकेंड क्वेश्चन इज शेप्स ऑफ सॉलिड आर 3 डायमेंशनल शेप, यस इट इज ट्रू। अ ब्रिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिज्म, दिस इज फॉल्स। ब्रिक कैसा होता है, ईंटा कैसा होता है, क्यूबॉइड जैसा होता है, ठीक है। अ ट्रायंगुलर पिरामिड हैज 4 ट्रायंगुलर फेसेस एंड 6 एजेस, एक ट्रायंगुलर पिरामिड जो होता है उसके पास 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और 6 एजेस, यस दिस इज ट्रू। अ स्फीयर हैज़ 2 वर्टिसेस, कह रहा है स्फीयर के पास 2 वर्टिसेस होते हैं जबकि स्फीयर के पास कोई वर्टिसेस नहीं होती, दिस इज फॉल्स। ओके सो यू विल डू दीज 2 क्वेश्चंस एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 3। अ क्यूबॉइड, एग्जांपल आपको बताना है क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, कोन का और स्फीयर का, ये आप खुद से करिए क्वेश्चन नंबर 3। अगले लेक्चर में हम बाकी जो शेप्स हैं उनके बारे में डीपली स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।